नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। अभी हमने इससे पूर्व मर्टन की प्रकार्य और अकार्य की अवधारणा पढ़ी थी। यहाँ हम मर्टन की फंक्शनलिज्म या मर्टन के प्रकार्यवाद के अंतर्गत प्रकट और अप्रकट प्रकार्य के बारे में बात करेंगे। मर्टन ने प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य में भेद किया है। इन्हें परिभाषित करते हुए मर्टन लिखते हैं, प्रकट प्रकार्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं तथा उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। अप्रकट प्रकार्य वे परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में समायोजन या अनुकूलन तो लाते हैं किंतु व्यवस्था के सदस्यों द्वारा न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित होते हैं। जॉनसन लिखते हैं कि प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभीष्ट और अभिज्ञात होते हैं और अप्रकट प्रकार्य न तो अभीष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात होते हैं। जब कई प्रकार्यों के परिणाम पहले से ही निश्चित एवं स्वीकृत होते हैं तो ऐसे प्रकार्य प्रकट प्रकार्य कहलाएंगे, किंतु कई बार ऐसे परिणाम भी मिलते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, इन्हें हम अप्रकट प्रकार्य कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन निषेध पाया जाता है। इस नियम के अनुसार निकट के रिश्तेदारों जैसे भाई बहन, पिता पुत्री, माता पुत्र आदि में यौन संबंधों की मनाही होती है, किंतु विद्वान इस नियम के प्रकट प्रकार्य ये बताते हैं कि यदि ऐसी छूट दी जाए तो बदसूरत और अपंग बच्चे पैदा होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह मानव की मूल प्रवृत्ति है कि वह ऐसे संबंध स्थापित नहीं करता है। इस नियम के प्रकट प्रकार्यों की तुलना में अप्रकट प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि इस प्रकार के संबंधों की छूट दी गई तो परिवार में यौन संबंधों को लेकर पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई अन्य सदस्यों में तनाव और संघर्ष पैदा हो जाएगा। अन्य परिवारों में विवाह करने से लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों एवं सहयोग का भी विस्तार होगा, साथ ही परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है। निकटाभिगमन निषेध का एक अप्रकट प्रकार्य परिवार और समाज के लिए यह है कि इससे पति पत्नी के बीच यौन संबंध होते हैं। दृढ़ यौन संबंधों का कारण माता पिता मिलजुल कर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, उनके समाजीकरण के कार्य का निर्वाह अच्छी तरह से कर पाते हैं। प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्यों को हम एक उदाहरण द्वारा और आसानी से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसका प्रकट प्रकार्य इंजीनियर बनकर पैसा कमाना और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, किंतु इसका एक अप्रकट प्रकार्य भी हो सकता है, जैसे इंजीनियर बनने के बाद उसका विवाह किसी संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से हो जाता है। साथ ही उसे दहेज में बहुत सारी नगद और धनराशि मिलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं और न ही इस उद्देश्य से वह इंजीनियर बनना चाहता था। अब हम प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में अंतर पर बात करेंगे। प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में निम्नांकित भेद हैं। पहला, प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो बाह्य रूप से स्पष्ट होते हैं और जिन्हें पूर्ण करने के लिए कर्ता सजग प्रयास करता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य बाह्य रूप से स्पष्ट नहीं होते, परिणाम निकलने पर ही उनका ज्ञान होता है। अप्रकट प्रकार्यों के लिए कर्ता सजग प्रयास नहीं करता है। दूसरा है, प्रकट प्रकार्य संभावित परिणाम होते हैं जिनके बारे में कर्ता पहले से ही जागरूक एवं आशान्वित होता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य ऐसे परिणाम हैं जिनके बारे में व्यक्ति ने पहले कभी सोचा ही नहीं था और इसके प्रयत्नों से ऐसा फल मिलेगा। तीसरा है, प्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा पूर्व इच्छित होता है, अर्थात किसी परिणाम विशेष को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कर्ता वह कार्य करता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा पूर्व इच्छित नहीं होता। प्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा न तो स्वीकृत होते हैं और न ही मान्य होते हैं। एक बात उल्लेखनीय है कि प्रकट और अप्रकट प्रकार्य का अंतर सदैव ही स्पष्ट और एवं चरम नहीं होता। कोई एक प्रकार्य विशेष कुछ व्यक्तियों के लिए अप्रकट हो सकता है तो दूसरों के लिए प्रकट। प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों का भेद सापेक्षिक है,
किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार्य कुछ के लिए प्रकट होते हैं तो कुछ के लिए अप्रकट। प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों का महत्व। प्रश्न ये उठता है कि प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में भेद करने की उपयोगिता क्या है। इसका उत्तर देते हुए मर्टन कहते हैं कि प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में भेद कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला, कई बार हमें ऊपरी दृष्टि से एक व्यवहार अतार्किक लगता है किंतु उसका सामाजिक दृष्टि से महत्व होता है। उदाहरण के लिए, होपी जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए गांव के बाहर आग जलाकर धुआं करते हैं। उनका विश्वास है यह धुआं बादलों के समान है, अतः वर्षा लाएगा। इस उत्सव को प्रकट कर का कोई प्रकट प्रकार्य नहीं है, किंतु अप्रकट प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है। जब लोग एकत्र होते हैं उसमें एक दूसरे के सुख दुख से में एक होने की भावना पनपती है और संबंधों में घनिष्ठता आती है। दूसरा, वेबलिन का मत है कि महंगी वस्तुएं खरीदने का प्रकट प्रकार्य यह है कि वे वस्तुएं अच्छी हैं, किंतु अप्रकट प्रकार्य यह है कि इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रकट और अप्रकट प्रकार्य का भेद समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक शोध की दृष्टि से भी उपयोगी है। कई रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि के प्रचलन के प्रकट प्रकार्य तो बहुत कम होते हैं, किंतु अप्रकट प्रकार्य अधिक होते हैं। प्रकट और अप्रकट प्रकार्य सापेक्षित होते हैं। एक के लिए यह प्रकार्य प्रकट है तो दूसरे के लिए यह अप्रकट हो सकता है। समाजशास्त्रियों के लिए किसी भी नियम, मूल्य, सामाजिक संरचना, समूह, संस्था, आदर्श, नियम आदि के प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों को जानना आवश्यक है। इसके अभाव में कई बार यह मानकर कि एक सामाजिक इकाई का कोई प्रकार्य नहीं है, उन्हें नष्ट करने की बात सोच लेते हैं, या केवल उन्हें प्रकट प्रकार्यों से ही हम संतोष कर लेते हैं। अप्रकट प्रकार्य तक तो शोध को न ले जा सकना दुर्भाग्यवश होगा, क्योंकि एक समाजशास्त्री के लिए आम जानकारी से आगे बढ़ने का अवसर अप्रकट प्रकार्यों या अपकार्यों में ही है। मर्टन कहते हैं, यदि समाज सुधारक ने इन आंशिक ढांचों के जिनमें कि यह परिवर्तन लाना चाहते हैं अप्रकट प्रकार्यों और अपकार्यों को ध्यान में रखे बिना ही समाज सुधार का सुझाव दिया तो वह अधिक फलदायी नहीं होगा। सामाजिक योजना का ठोस आधार समाज की यथार्थ कार्य प्रणाली का ज्ञान है। कोरा आदर्शवाद न केवल निष्प्रभावी होता है वरन हानिप्रद भी होता है। इसी प्रकार से प्रकट और अप्रकट कार्यों में भेद जानना समाज सुधारों की दृष्टि से भी आवश्यक है। अब हम मर्टन के प्रकार्यवादी अवधारणा की आलोचना पढ़ेंगे। प्रकार्य का सिद्धांत एक मूल्यांकन। पिछले करीब 20-25 वर्षों से प्रकार्यवाद की लोकप्रियता काफ़ी कम हुई। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इन वर्षों में समाजशास्त्र में अनेक अन्य उपयोगी पद्धतियों का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त प्रकार्यवादी विश्लेषण अनेक ऐसी मान्यताओं को लेकर चलता है जिनकी यथार्थता की जांच आवश्यक है और जिन्हें किसी भी रूप में स्वयं सिद्ध कथन नहीं माना जा सकता। प्रकार्यवाद की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नांकित हैं। पहला, प्रकार्यवाद में विभिन्न अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। उदाहरण के रूप में प्रकार्य शब्द के ही अनेक अर्थ लगाए जाते हैं, इससे अवधारणात्मक भ्रांति उत्पन्न होती है। दूसरा, प्रकार्यवादी विश्लेषण में संरचना की प्रत्येक इकाई के प्रकार्य की खोज की जाती है। कभी किसी इकाई का प्रकार्य न होने पर कल्पना के आधार पर उसका निर्माण कर लिया जाता है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। तीसरा, प्रकार्यवादी व्याख्या ध्येयवादी व्याख्या है। इसका अर्थ यह है कि प्रकार्य का प्रयोग उद्देश्य के अर्थ में किया गया है। वास्तविकता यह है कि कारण, उद्देश्य और प्रकार्य में काफ़ी अंतर पाया जाता है। चौथा है, प्रकार्यवादी विश्लेषण को रूढ़िवादी एवं दक्यानुसी कहा गया है। यह पूंजीवादियों और सत्ताधारियों के हितों की रक्षा करता है। अन्य शब्दों में यह शोषण का समर्थक है। यही कारण है कि पूंजीवादी देशों में इसका प्रयोग अधिक हुआ है। प्रकार्यवादी समाज व्यवस्था को एकीकृत मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। कई बार समाज व्यवस्था के एक लंबे समय तक असंतुलन और असंगठन की दशा में भी रह सकती है। मार्क्स ने तो समाज में पाए जाने वाले संघर्ष, विघटन और कुसमायोजन को ही उजागर किया है।
प्रकार्यवादी विश्लेषण की एक प्रमुख कमी यह है कि यह मूल्य अभिनति पर आधारित है। इसमें समाज को स्थिर व्यवस्था मानकर चला गया है। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कोई स्थान नहीं है।